सो यू वॉन्ट टू ग्रो शोल्डर्स राइट? किसी भी इंसान के फिजिक में विथ देने के लिए शोल्डर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और अगर आपके मस्कुलर शोल्डर्स हैं तो क्लोथ्स आप पे बहुत ही परफेक्टली फिट बैठते हैं, स्पेशली फॉर्मल्स। अब आप लोगों का और वक्त ज़ाया किए बिना चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा शोल्डर ट्रेनिंग के बारे में, और मैं कौन सी एक्सरसाइजेस प्रेफर करता हूं और मैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करता हूं एक दिन में, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैं देखता हूं रोज़ जिम में लड़कों को करते हुए, और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जो वो अवॉइड करते हैं जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, प्लीज़ ड्रॉप ए लाइक, इट रियली मेक्स मी हैप्पी एंड कीप्स मी मोटिवेटेड। Okay, so I will first start with the exercises, then I will tell the common mistakes which people do. The first one और जो मेरी favorite है वो है overhead press, या फिर इसे military press भी कहते हैं। इस exercise को करते हुए लोग सबसे common mistake ये करते हैं कि वो अपने arms को lock नहीं करते और ना ही वो barbell को पूरा नीचे आने देते हैं, वो full range of motion नहीं करते। एक बहुत ही डेंजरस मिस्टेक वो लोग और करते हैं कि वो बारबेल को अपनी बॉडी से आगे प्रेस करते हैं। अगर आपके हाथ में हैवी वेट है तो आगे बारबेल प्रेस करने से वो गिर सकता है और आपको चोट लग सकती है। जब आप ओवरहेड प्रेस करते हो तो आपका जो फिनिशिंग पॉइंट होता है, जब आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, तो बारबेल की पोजिशन आपके शोल्डर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में। अगर आपका गोल स्ट्रेंथ है तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है आपके लिए। इस एक्सरसाइज का नाम है पुश प्रेस। इसको परफॉर्म करते वक्त हम लोग इंटेंशनली थोड़ा सा चीट करते हैं ताकि आप हैवी वेट पुश कर सको। इस एक्सरसाइज का मेन मकसद होता है कि आप हैवी वेट पुश कर सको जो आप नॉर्मली ओवरहेड प्रेस करते वक्त हैंडल नहीं कर सकते। एक्सरसाइज नंबर 3 है सीटेड ओवरहेड डंबल प्रेस। इसको करते हुए लोग सिर्फ एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो फुल रेंज ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं करते, वो कान तक हिला के डंबल को रोक देते हैं, पूरा नीचे शोल्डर तक डंबल को लेके नहीं जाते। ये मेरा आप लोगों से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया करो, इससे इंजरीज भी कम होती है और आपको रिजल्ट्स भी जल्दी आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 है अपराइट रोज। शोल्डर के लैटरल हेड यानी कि साइड डेल्ट्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है। इसमें कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि बारबेल को बहुत ही क्लोज पकड़ लेते हैं, जिससे उनके रिस्ट में और शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाता है। दूसरी कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि बारबेल को ऊपर तो स्ट्रेट लाइन में लेके जाते हैं, लेकिन नीचे ले जाते वक्त वो बारबेल को आगे थ्रो कर देते हैं। इससे एक्स्ट्रा फायदा तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इंजरी रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इट इज़ वेरी सिंपल टू डू, गो अप इन स्ट्रेट लाइन एंड डाउन इन स्ट्रेट लाइन। एक्सरसाइज नंबर 5 है लैटरल रेजेस। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को करते वक्त मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हैवी डंबल्स का इस्तेमाल मत करो, ज़्यादा बॉडी को स्विंग मत किया करो, क्योंकि उससे आपको कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होने वाला। लैटरल रेजेस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो में बात करना इम्पॉर्टेंट है। अगर अपने शोल्डर को फुल राउंड लुक देना है आपको, तो आपको रियर डेल्ट पे फोकस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आप फेस पुल कर सकते हैं जो कि मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, या फिर आप मशीन में रिवर्स पेक्टेक फ्लाइज भी कर सकते हो। फ्रंट डेल्ट के लिए आप कर सकते हैं फ्रंट डेल्ट रेजेस। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि आप बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, जितनी सारी प्रेसेस करते हो उसमें आपका इंटीरियर डेल्ट बहुत हद तक काम करता है। वो बहुत ही ज़्यादा छोटा मसल ग्रुप है, तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना मेरे हिसाब से तो टाइम वेस्ट। ये मैंने कुछ एक्सरसाइजेज रिकमेंड की हैं। अब मैं आपको स्प्लिट रिकमेंड करता हूँ कि आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप वीक में 2 बार शोल्डर स्ट्रेन करो। एक बार आप 3 एक्सरसाइज चुनो जिसमें 2 कंपाउंड और 1 आइसोलेशन हो, और दूसरे दिन आप 1 कंपाउंड और 2 आइसोलेशन के साथ कर सकते हो। तो ये रही आज की वीडियो। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट एनीवे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हो,
लाइक कर सकते हो, कमेंट में आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अगर आपको स्पेशल किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी तरीके की और भी वीडियोज़ आपको देखनी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक के लिए पीस।